गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी कक्षा 10 पद साहित्य के पाठ 2 धनुष भंग के भाग 5 का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में जुड़ जाएँ और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक सही टाइम पर पहुंच सके। चलिए तो शुरुआत कर देते हैं। देखिए, मन ही मन मानव कुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश के लिए प्रश्न देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में सीता जी के दुखों का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, मन ही मन मानव कुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मिस मन से, मन मिस मन अर्थात मन ही मन में मनाओ मिस मनाने लगी, अकुलानी मिस दुखी होकर। जब भगवान रामचंद्र जी मंच पर पहुंचते हैं तो सीता जी उन्हें देखकर अपने मन ही मन दुखी स्वर में मनाने लगती हैं। क्या मनाने लगती हैं, अब देखिए। हो प्रसन्न महेश भवानी, देखिए, हो मिस हो जाइए, प्रसन्न मिस प्रसन्न, महेश मिस भगवान शिव, भवानी मिस माता भवानी। हे भगवान शिव और माता भवानी, आप मुझ पे प्रसन्न हो जाइए। और उन्हीं उन्हीं को वे मन ही मन मनाने लगती हैं। करहुं सफल आपनी सेवक काहे, देखिए, करहुं मिस कीजिए सफल मिस सफल, आपनी मिस अपने सेवक काहे मिस सेवक, अपने इस सेवक को सफल कीजिए। था मैंने जो आपके लिए काम किया उस सेविका को आप सफल कीजिए। करी ही तू हरहु चाप गरुवाई, करी मिस करिए, ही तू मिस हित अर्थात मेरा हित करिए, हरहु मिस हर लीजिए, चाप मिस धनुष गरुवाई मिस भारीपन, और आप इस धनुष के भारीपन को हर लीजिए था उसे कम कर दीजिए। गण नायक वरदायक देवा, देखिए, गण मिस गणेश, नायक मतलब नायक, गणों के नायक अर्थात गणेश, हे गणेश, वरदायक वर को देने वाले देवा मिस भगवान गणेश, गणों में श्रेष्ठ और वर को देने वाले हे देव अर्थात गणेश, मुझे आप वरदान दीजिए या ध्यान दीजिए, आज मुझे आप प्रसन्न करिए। आज लगे कि नहीं तू सेवा, आज मिस आज लगे मिस के लिए ही कि नहीं मिस किया तू मिस तुम्हारी सेवा मिस सेवा, आज के लिए हे गणेश, आज के लिए ही मैंने तुम्हारी सेवा की थी। बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार मिस बार बार विनती मिस प्रार्थना सुनी मिस सुनिए मोरी मिस मेरी, और आप मेरी प्रार्थना को बार बार सुनिए। करहु चाप गुरुता अति भारी, करहु मिस कर दीजिए चाप मिस धनुष की गुरुता मिस भारी पर अति माने बहुत थोड़ी मिस कम, हे श्री गणेश, आप मेरी विनती को बार बार सुनिए और उस धनुष की भारीपन को और ही हल्का कर दीजिए ताकि भगवान रामचंद्र जी उस धनुष को उठा सके और उनके साथ मेरा विवाह हो सके और इस स्वयंवर यह स्वयंवर पूरा हो सके। तो फिर से देख लेते हैं, मन ही मन मनाओ कुलानी, सीता जी राम को देखकर अपने मन ही मन अपने ईश्वर को मनाने लगती हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, हे शिव और माँ भवानी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। करहु सफल आपनी सेवकाई, और आप अपने इस सेविका को सफल कर दीजिए। कर हित करहु चाप गरुवाई, देखिए, और मेरा हित करिए और इस चाप का इस धनुष का भार को कम कीजिए। गण नायक वर देवा, वरदायक देवा, गणों में श्रेष्ठ वरों को देने वाले हे श्री गणेश, आज लगे इन्हीं कहु सेवा, आज के लिए मैंने तुम्हारी सेवा की थी। बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार आप मेरी प्रार्थना को सुनिए। करहु चाप गुरुता अति थोड़ी मिस करिए, चाप मिस धनुष गुरुता मिस भारीपन अति माने बहुत थोड़ी मिस थोड़ा, हे श्री गणेश, आप धनुष के भार को और भी थोड़ा कर दीजिए। तो दोस्तों,
ये रही आपकी व्याख्या। तो अब हम इस पद्यांश के लिए काव्य का सौंदर्य लेते हैं। पेपर में पूछा भी जाता है कि पद्यांश दिया रहेगा, आपको पूछेगा इस पद्यांश की संदर्भ सही व्याख्या कीजिए और काव्य का सौंदर्य भी कीजिए। तो काव्य का सौंदर्य अर्थात काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को भी लिखना रहता है। तो देखिए अब पूछे काव्य का सौंदर्य में छंद पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस छंद में इसमें कौन सा छंद है, तो चौपाई छंद है। ठीक है, चौपाई में चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, तो यह चौपाई छंद है। रस देखिए इसमें भक्त और भगवान के बीच प्रेम का वर्णन है, इसलिए यहाँ भक्ति रस। ठीक है, भाषा यह जो धनुष भंग नामक पाठ है यह उसी भाषा में लिखा गया है, इसलिए सारे पद्यांश की लिखी ऐसी भाषा चलेगी। और शैली पूछा जाएगा तो इसमें चित्रों का वर्णन किया गया है, इसलिए कौन सी शैली है, चित्रात्मक। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको कहीं त्रुटि मिले तो प्लीज उसे कमेंट करिए ताकि हम अपनी गलती को सुधार सके। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ हम आज की वीडियो खत्म हुई, और अगले दिन अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।